हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज पॉइंट वी आर स्टडिंग एल डी हाइट्स कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड्स इन क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी केमिस्ट्री इन लास्ट वीडियो लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स पार्ट एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्बोक्जिलिक एसिड्स पार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द कार्बोजिलिक एसिड्स कार्बोक्जिलिक एसिड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सी डब्लो एच सी डबल ओ एच जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और ये कैसे बनता है जब आप कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों आपस में कंबाइंड होकर बनाते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कैसे बनाते हैं देखिए आप कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है सी ओ सी ओ को क्या कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप और ओ OH एच को क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो जब ये कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिलके क्या बनाएंगे सी ओ एच तो इसको क्या कहेंगे इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप और वो सारे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उनको कहते हैं कार्बोक्जिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके दो टाइप के होते हैं एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक एसिड्स एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक एसिड्स कौन से होते हैं वो सारे एसिड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिल है और जो हाइड्रोकार्बन कंटेन कर रहा है एसिड वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनस है कहने का मतलब है अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनस के साथ में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको कह देंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और वहीं अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अब इनकी एक खास बात होती है कि जो हायर मेंबर्स होते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेंबर का मतलब है कि कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो ट्वेल्थ से लेकर एटीन तक हैं तो उनको कहते हैं फैटी एसिड्स और ये सारा डिस्कशन जो है फ़ैटी एसिड्स का हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है इनके नॉमिन क्लेचर की बात करते हैं तो जब भी आई यू पी एस सी सिस्टम में नॉमिन क्लेचर करेंगे किसका कार्बोक्सिल ग्रुप का या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो इनमें सफिक्स में ओइक एसिड लगा देते हैं और ओइक एसिड कब लगाएंगे जब आप कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को काउंट कर लेंगे मींस जो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है सी डब्ल ओ एच है अगर आपने कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को काउंट किया है तो आयु पैक सिस्टम में क्या करेंगे आप सफिक्स में ओइक एसिड लगा देंगे ठीक है और अगर क्या हुआ है अगर आपने काउंट नहीं किया है तो क्या लगाएंगे तो लगाएंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे एच सी ओ ओ एच है तो इसको क्या कहेंगे इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मिक एसिड और आयु पैक सिस्टम में इसका नाम क्या है मैथेनोइक एसिड सिमिलरली अगर सी एस थ्री ले लेते हैं यहाँ एच की जगह तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ एच तो ये क्या हो गया ये है आप, आप, आपका एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका एसिटिक एसिड अगर इसके आयु पैक सिस्टम में नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा तो देखिए आप ये क्या होगा नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन मीन्स नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं दो नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप एथेन लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एथ दूसरा क्या था यहाँ पे आपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन काउंट किया है तो इस वजह से इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा ओइक एसिड आ जाएगा एथेनोइक एसिड ठीक है तो इस तरह से नॉमिन क्लेट करते हैं सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या ऐसे सारे एसिड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप होता है दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि जो कार्बोक्जिलिक एसिड्स होते हैं वो मोस्टली नेचर में फाउंड होते हैं मीन्स आपको लैब में सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एसिड्स ग्रुप आर फाउंड इन नेचर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इनका और वन ट्वेंटी डिग्री अपार्ट होते हैं सारे एटम्स देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअल में सिंगल बांड सी डबल बांड ओ एक तो हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप दूसरा हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखता है एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन होता है दोनों ऑक्सीजन के पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ दिख रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज अब जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा अब ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो क्या होगा एक डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो ऑलरेडी आपका डबल बॉन्ड के साथ अटैच था ऑक्सीजन का आइटम अब उस पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज और जो सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच था वो हो गया डबली बॉन्डेड और उसके ऊपर एक चार्ज आ गया है पॉजिटिव तो इस वजह से क्या होता है ये समथिंग कुछ आपको दिख रहा है रेजोनेंस टाइप का कि ये जो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड था इस ऑक्सीजन के साथ था डबल बॉन्ड अब वो कहाँ पर आ गया अब वो यहाँ पे आ गया तो ये रेजोनेंस शो करता है तो इस रेजोनेंस की वजह से जो ये कार्बोक्सिल कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो कार्बोनिल कार्बन से कंपेयर करें तो उससे कम होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या है कि जो आपका सी डबल वन ओ इस ग्रुप में जो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू सी ओ ओ एच इस ग्रुप में कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो लेस स्ट्रांग होता है क्यों लेस स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें कुछ रेजोनेंस का फिनोमिना आपको एपियर होता है इस रेजोनेंस की वजह से द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन इज लेस इन कंपैरिजन टू कार्बोनिल कार्बन अब बात करते हैं द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स कार्बोक्जिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला है इसमें फ्रॉम द प्राइमरी एल्कोहल्स जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं उनसे किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्जुल एसिड्स ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देख भी चुके हैं जब हम लोगों ने एल्कोहल्स पढ़े थे वहाँ पे देखा था और जब एल पढ़े थे वहाँ भी देखा था कि किस तरह से एल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और एल कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड्स में तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा वन डिग्री एल्कोहल और वन डिग्री एल्कोहल को जब आप क्या करते हैं ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं के एम एन ओ फोर हो गया के टू सी आर टू ओ सेवन हो गया तो इनके साथ जब आप ट्रीट करेंगे वन डिग्री एल्कोहल को तो ये एल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखिए आप आर सी एस टू ओ एस था आपने क्या किया एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया उसके साथ रिएक्शन कराने पर क्या हो गया जो जो वन डिग्री एल्कोहल था वो कन्वर्ट हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे आर की जगह आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए सी एस थ्री सी एस टू ओ एच ले लिया आपने यहाँ पे सी एस थ्री सी एस टू एच क्या है ये है आपका एथेनॉल एथेनॉल को आपने ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ के एम एनोफोर मीनस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया तो ये जो एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड में नॉमिन के में देखा था इसका नाम क्या होगा एथेनोइक एसिड सी एस थ्री सी ओ एच क्योंकि दोनों कार्बनस को आपने काउंट कर लिया यहाँ पे अब बात करते हैं फ्रॉम द एल डी हाइट्स एल डी हाइट्स से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स फाइंड आउट करेंगे एल डी हाइट्स के केस में क्या था ये तो लास्ट वीडियो लेक्चर में ही देखा था आपने कि किस तरह से एल डी हाइट्स जो हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं किसम कार्बो ऑक्चिलिक एसेट्स में तो एल्कोहल्स के लिए क्या लेना पड़ा था आपको एल्कोहल्स के केस में आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा और एल डी हाइट्स के केस में आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही काम चल जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जैसे आपका टॉलेंस रिजेंट हो गया और फेलिंग्स रीजेंट हो गया लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे भी थे दोनों टेस्ट देखे थे टॉलेंस का और फेलिंग्स का एक बार रिवीजन कर लेंगे इसमें थोड़ा सा टॉलेंस टेस्ट टॉलेंस टेस्ट क्या है ये इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोलूशन को कहते हैं टॉलेंस रीजेंट और ये टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं टॉलेंस के रिजेंट को और इसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्डिहाइड के साथ तो जब एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिजेंट रिएक्शन करता है तो ये जो एल्डिहाइड है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में कार्बोक्जिलिक एसिड्स में एल्डिहाइड डी हाइट कन्वर्ट होके आपका एसिड में साथ ही साथ आपको सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स मिलते थे तो सिल्वर के जो प्रेसिपिटेट्स थे वो सिल्वर की तरह चमकते होते थे तो इसका एक्चुअल में जो ये टॉलेंस टेस्ट है यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मीन्स आपको एल डी हाइट्स को आइडेंटिफाई करते थे टॉलेंस टेस्ट के लिए तो यहाँ पे क्या हुआ साथ में बनता था आपका कार्बोक्जिलिक एसिड तो इस मेथड का यूज़ करके आप कार्बोक्जिलिक एसिड भी बना सकते हैं तो क्या किया आपने एल डी हाइट ले लिया आर सी एच ओ और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ टॉलेंस रीजेंट के साथ टॉलेंस रीजेंट क्या होता है ए जी एन एस थ्री का होल्टवाइस पॉजिटिव और इसको फ्रेशली ही प्रिपेयर करते हैं हमेशा लेबोरेटरी में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी बना के नहीं रख सकते हैं तो ए जी एन ओ थ्री की रिएक्शन कराते हैं एन एच फोर ओ एच से तो मिलता है आपको ए जी टू ओ ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है और जो फिर फिर से डिजोल्व हो जाता है एन एच फोर ओ एच में और मिलता है आपको टोलेंस रिजेंट अब ये जो टोलेंस रिजेंट आपको मिला ये रिएक्शन करता है किसके साथ एल डी हाइट के साथ रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन हमेशा होती है किसमें बेसिक मीडियम में होती है तो जब एल डी हाइट बेसिक मीडियम में टोलेंस रिजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया गैस रिलीज होगी और सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको तो इस तरह से बाई यूजिंग द टॉलेंस टेस्ट आप एल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और दूसरा क्या है आप कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं मीन्स एसिड अगर आपको लैब में प्रिपेयर करना हो तो भी आप टोलेंस टेस्ट का यूज़ कर लेंगे और अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कोई भी गिवन कंपाउंड वो एल है या कीटोन है तो भी आप टॉलेंस टेस्ट का यूज़ कर लेंगे अगर कंपाउंड एल होगा तो आपको क्या मिलेगा सिल्वर का आप मिलेगा जो शाइनिंग कलर का होगा चमकता हुआ होगा और अगर कीटोन होगा तो ये रिएक्शन का कैरी आउट ही नहीं होगी तो इसका मतलब सिल्वर का रेसिपिटेट जो है वो नहीं मिलेगा तो इस तरह से गिवन कंपाउंड जो है आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एल्डीहाइड है या कीटोन है दूसरा टेस्ट देखते हैं दैट इज़ फैलिंग्स टेस्ट फैलिंग्स टेस्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअल में फैलिंग रेजेंट होता क्या है फैलिंग रेजेंट दो सोलूशन का मिक्सचर होता है जिसमें सल्यूशन ए होता है और सोलूशन बी होता है जो सोल्यूशन ए होता है वो होता है आपका एक्व कापर सल्फेट का सोलूशन और दूसरा सोलूशन होता है आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइटरेट जिसको रोचेल साल्ट भी कहते हैं और जो एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सोलूशन होता है वो ब्लू इन कलर होता है वाइल जो रोचल सॉल्ट होता है वो कुछ कुछ ब्राउन कलर का होता है इन दोनों सोलूशन के मिक्सर को कहते हैं फेलिंग्स रीजेंट और इस रीजेंट के द्वारा भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एल और कीटोन्स को मीन्स एल तो ये टेस्ट देते हैं कीटोन्स जनरली ये टेस्ट नहीं देते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह से एल्डिहाइड कन्वर्ट होते हैं क्या हो जाता है एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक्चुअल में जो फेलिंग रीजेंट होते हैं वो देते हैं आपको क्यूपरिक आयंस सी टू पॉजिटिव आयंस देते हैं तो जब भी एल डी क्यूपरिक आयंस के साथ रिएक्ट करेगा और क्यूपरिक आयंस होते हैं आपके ब्लू कलर में तो जब भी एल रिएक्शन करेगा किसके साथ क्यूपरिक आयंस के साथ तो एल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किस में कार्बोक्सिलिक एसिड में आर सी ओ ओ निगेटिव में और मिल जाएगा आपको क्यूपरक्स ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट तो इस तरह से बाई यूजिंग द फैलिंगस टेस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिबन कंपाउंड है वो एल डी हाइट का है या कीटोन का है अगर एल डी हाइट होगा तो आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेड मिल जाएगा अगर वो कीटोन होगा तो ये रिएक्शन का रीड आउट ही नहीं होगी सिमिलरली अगर आपको लेबोरेटरी में क्या बनाना है कार्बोजिलिकसिड बनाना है तो आप इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं आप क्या करिए फेलिंग रिजेंट ले लीजिए और उसके एल डी हाइट के साथ रिएशन करा दीजिए तो एल डी हाइट आटोमेटिकली क्या होगा ऑक्सीडाइज होकर आपको दे देगा कार्बोक्जिलिक एसिड अगर इन दोनों रिजेंट की बात करें टॉलेंस रिजेंट और फेलिंग्स रीजेंट को अगर आपस में कंपेयर करें तो कौन सा रिजेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा तो जो टॉलेंस रिजेंट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू द फेलिंग्स रिजेंट तो इस तरह से ये रिएक्शन थी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो लेक्चर में एक बार मैंने इनका रिविजन कराया आपको अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाई द नाइट्राइल्स और द एमाइट्स नाइट्राइल्स का यूज़ करके किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन करते हैं तो ले लीजिए सबसे पहले ले लीजिए आप नाइट्राइल नाइट्राइल होता क्या है आर सिंगल वॉन्ड सी ट्रिपल वॉन्ड एन इसको कहते हैं नाइट्राइल और नाइट्राइल की जब करते हैं हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस क्या होती है मीन्स एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस अगर वहाँ प्रेजेंट हैं तो मीन्स जो कंपाउंड है वो आपका हाइड्रोलिस शो कर सकता है तो यहाँ पे क्या हुआ नाइट्राइल ले लिया नाइट्राइल के साथ क्या प्रेजेंट है आपके एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव आयन्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा यहाँ पे देखिए आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा एमाइड मिलेगा जो है आर सिंगल वन सी डबल वन डो सिंगल वन एन एच टू और इसको फिर से हीट कर देंगे किसके साथ वाटर के साथ और एसिडिक मीडियम में अगर इसको फिर से हीट कर देंगे तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड आर सिंगल वन सी डबल वन ओ सिंगल वन ओए और एन एच थ्री गैस यहाँ से निकल जाएगी मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको क्या किया आपने नाइट्राइल ले लिया नाइट्राइल क्या होता है सी एस थ्री सिंगल वांड सी ट्रिपल वांड एन और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल होते हैं यहाँ पे अब क्या किया आपने कराई हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस में क्या होंगे आपके पास एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे ओ एच निगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे अब इस नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस एच पॉजिटिव को क्या है इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ठीक है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इस एच पॉजिटिव आयन को दे देगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो कह सी एस थ्री तो ऐसे ही आ जाएगा सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे ही रहा अब साथ में नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जाके जुड़ गया अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो नाइट्रोजन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज देखिए अब जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से पाई बाड ब्रेक होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा नाइट्रोजन को अब जैसे ही नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन तो हो जाएगा यहाँ से न्यूट्रल और कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज वैसे यहाँ पे क्या है उसी मोमेंट में वाटर का मालिक्यूल प्रेजेंट ही होगा यहाँ पे तो वाटर का मालिक्यूल होता क्या है ए एच सिंगल वांड ओ सिंगल वांड ए एच एच टू को होता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर पेरा इलेक्ट्रॉन्स होता है अब जैसे ही यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशियसी क्रिएट होगी वैसे ही वाटर के जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको कार्बन को दे देगा तो जब अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कार्बन को दे दिए तो क्या होगा एक सिंगल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा देखिए आप यहाँ पे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एच हो गया क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास आ गए तो यहाँ से ये एटम यहाँ से न्यूट्रल हो गया यहाँ पे कार्बन के, के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया दो हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच थे और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो एक सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा और यहाँ से निकलेगा एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ ओ OH. एच तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पर सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड एन एच ये गया यहाँ पर OH, यह अब देखिए आप यहाँ से क्या हुआ था नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे किससे कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे तो इस वजह से ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया था लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फिर से क्रिएट हो गए अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर से वापस आ गए नाइट्रोजन के पास ये क्या करेगा ये फर्दर दे देगा किसको एच पॉजिटिव आयंस को तो एच पॉजिटिव आयंस के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एस्ट हो जाएगा हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा देखिए आप अब जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चाह जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए हाइड्रोजन को नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या हो गया एन पॉजिटिव डबल वॉन्ड ऐसे ही रहा एज इट इज सी एस थ्री सिंगल वांड ऐसे ही रहा अब देखिए आप यहाँ पे क्या होने वाला है अब ये जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इससे यहाँ पर रह जाएगा क्या सिंगल बॉन्ड ठीक है जैसे ही सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रह गया वैसे ही क्या होगा कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा कार्बन को दे देगा तो देखिए यहाँ पर क्या सीन बन रहा है यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा कौन सा H पॉजिटिव निकलेगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है बॉन्ड क्रिएट कर रहा है वो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव कर देगा कार्बन के पास में और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ से न्यूट्रल और आ जाएंगे उसके पास दो इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहाँ पे क्या सीन बना आपका सी एस त्री रहा ऐसे ही सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ क्यों आया डबल बॉन्ड ओ क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए तो यहाँ पे कार्बन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड और एक एच पॉजिटिव आयन ना यहाँ से रिमूव हो गया ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर साथ ही सिंगल बॉन्ड एन एस टू आ गया अब सिंगल बॉन्ड एन एच टू आ गया फिर से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर एक एच पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एस थ्री हो जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ इज आ जाएगा देखिए आप सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर आके क्या जुड़ गया यहाँ से क्या आया ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या हुआ और एक एच पॉजिटिव आया तो यहाँ से क्या रिमूव हो सकता है एन निकल सकता है देखिए आप निकलेगा कि नहीं इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो क्या होगा यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच तो क्या अब हो गया यहाँ पे एन एस थ्री हो गया जब ये एन एस थ्री हो गया तो अब क्या होगा यहाँ पे एन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा और इन द फॉर्म ऑफ एन एस थ्री यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो यहाँ से क्या हुआ एनएस थ्री निकल गया आपका एनएस थ्री निकल गया तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब कार्बन पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज एनएस थ्री यहाँ से रिमूव हो चुका है तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा आपको पता है कि यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसके पास जाएंगे कार्बन के पास क्या होगा फिर एक बॉन्ड का क्रिएशन होगा देखिए किस तरह से बॉन्ड का क्रिएट होगा यहाँ पे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो एज इट इज आ गया एन एस थ्री यहाँ से निकल चुका है अब ये एस टू ओ यहाँ पर जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ एच रहा और सिंगल बॉन्ड ए एच इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन देखो कैस किस तरह से अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटम होगा यहाँ से न्यूट्रल और ये एच निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो देखिए अब बचा क्या है यहाँ पे यहाँ पे बचेगा देखिए सी एस थ्री सिंगल वन सी डबल वन ओ सिंगल वन ओ एच ये क्या है यही आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड इसको क्या कहते हैं इसका नाम क्या है ये है आपका देखिए आप सी एस थ्री सी ओ ओ एच इसको कहते हैं एसिटिक एसिड ठीक है जी दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है ट इज एथेनोइिड तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेरिंग द कार्बोक्जुलिकसिड बाई यूजिंग द नाइट्राइल्स अब अनदर मैथड से देखते हैं प्रिपेरेशन ऑफ कार्बोक्जुलिक एसिड फ्राम द ग्रिग्नाड रीजेंट ग्रिगनाड रीजेंट क्या होता है आर एम जी एक्स को कहते हैं ग्रिगनाड रीजेंट तो ग्रिगनाड रीजेंट जब रिएक्शन करता है ड्राई आइस के साथ ड्राई आइस क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो क्या बनता है सॉल्ट बनते हैं कार्बोक्जुलिक एसिड्स के और वो क्या करते हैं साल्ट आपको दे देते हैं फर्दर कार्बोक्जिलिक एसिड कब देंगे जब आप एसिडिफिकेशन कर देंगे उनका तो मिलेगा आपको कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से ग्रिगनाड रिजेंट आपको देगा कार्बोक्जिलिक एसिड सबसे पहले आप ले लीजिए ग्रिगनाड रिजेंट क्या होता है ये आर एम जी एक्स इसकी रिएक्शन करा दीजिए ड्राई आइस या कार्बन डाईऑक्साइड के साथ तो आर एम जी एक्स जब रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये रिएक्शन होनी चाहिए आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो यहाँ पे ये एक ये साल्ट बन जाएगा आर सिंगल वन सी डबल वन ओ सिंगल वन ओ एम जी एक्स नेगेटिव क्या बन गया ये एसिड का एक साल्ट बन गया और ये जब फर्दर रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ तो मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ एच मैकेनिज़म से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें आर एम जी एक्स ग्रिगनाड रिजेंट में क्या होता है एक्चुअल में जो एल्किल ग्रुप होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज एम जी एक्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ओ डबल वन सी डबल वन ओ तो यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कोई भी एक ऑक्सीजन अपनी तरफ एक पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यही तो होने वाला है ऑक्सीजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके साथ कौन सा पार्ट जुड़ेगा जो पार्ट निगेटिव होगा वही तो जाके जुड़ेगा यहाँ पे देखिए कार्बन पे क्या आ गया पार्सियल पॉजिटिव आ गया अब ग्रिगनाड रिजेंट का निगेटिव पार्ट क्या है आर निगेटिव तो ये आर निगेटिव जाके जुड़ जाएगा कार्बन के साथ देखिए सी यहाँ पे देखिए अब क्या बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स निगेटिव पार्ट कहाँ गया निगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव क्या था ऑक्सीजन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा एम जी एक्स तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका ओ डबल वन सी डबल वन ओ है उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ डबल वन सी ये है आपका पॉजिटिव सिंगल वन ओ ये है आपका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गया आपका आर और इसके साथ जुड़ गया आपका एम जी एक्स तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको एक सॉल्ट मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का आर सिंगल वन सी डबल वन ओ सिंगल वन ओ एम जी एक्स ठीक है ये बात क्लियर हो गई अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिस करेंगे हाइड्रोलिस करेंगे एसिडिक मीडियम में मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे आपके और वाटर प्रेजेंट होगा एच टू ओ प्लस एच पॉजिटिव इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच थ्री ओ पॉजिटिव ठीक है तो जब आप हाइड्रोलिस करेंगे इसकी तो क्या मिलेगा आपको कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाएगा कैसे देखिए आप यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया एच पॉजिटिव आयन आ गए ओ एच निगेटिव आयन आ गए तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट क्या है वो निगेटिव है एम जी एक्स पे क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एम जी एक्स के साथ जुड़ जाएगा आपका ओ OH एच निगेटिव देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे आर सिंगल वान सी क्या आ गया यहां पे देखिए आप आर सिंगल वान सी डबल वाण ओ सिंगल वान्ड ओ एच आ गया ये यह देखिए यहाँ पे ओ OH एच आ गया और ये एम जी एक्स जाके जुड़ जाएगा ओ एच निगेटिव के साथ तो क्या हो जाएगा एम जी ओ एच एक्स ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपको बनाना था नेक्स्ट देखते हैं बाई यूजिंग द एसिल क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स एसिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड का यूज़ करके कार्बोक्जिलिक एसिड्स कैसे बनाते हैं तो ले लीजिए आप कोई भी एसिड क्लोराइड ले लीजिए एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जैसे ही आप बाटर के साथ कराएंगे तो एसिड क्लोराइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड में आर सी ओ सी एल क्या है ये इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ ये बन गया आपका आर सी ओ ओ एच और यहाँ से निकल जाएगा एक सी एल नेगेटिव मैकेनिज्म देखते हैं इसकी आर सी यू एल में होता क्या है आर ले ली है यहाँ पर कंसिडर कर लिया लेट आर इज सी एस थ्री मीन्स मेथिल ग्रुप ले लिया है यहाँ पे तो सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एल डबल बॉन्ड ओ इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ वाटर के साथ तो यहाँ पे देखिए आप जो ये क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से क्या निकल सकता है सी एल नेगेटिव निकल सकता है तो यहाँ से सी एल निगेटिव रिमूव कर दीजिए आप तो इस वजह से कार्बन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा ठीक है तो कार्बन को देगा तो क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन वापस दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलता रहता है ये डबल वन री होता रहता है अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल सकते हैं जो वाटर का मालिक्यूल प्रेजेंट है वो दे सकता है ऑक्सीजन तो जब ये ऑक्सीजन इसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे क्या बनने वाला है ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ देखिए किस तरह से जुड़ेंगे सी एल निगेटिव रिमूव हो चुका है सी एस थ्री सिंगल वांड सी ये ऐसे ही आ गया सिंगल वांड सी डबल वांड ओ एज इट इज रहा जैसा था वैसा ही है ये ठीक है।, है अब कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन जुड़ेगा और उसके साथ जुड़ेंगे फर्दर दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप ये ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ और दो जुड़ गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज क्यों ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं किसको कार्बन को दिए हैं अब यहाँ से क्या होगा जो ये वाटर का मालिक्यूल ऐड हुआ इसमें से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीजन को तो यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव मिल जाएगा किसके साथ Cl नेगेटिव के साथ तो यहाँ से निकलेगा आपका HCl सी एल एच सी एल यहाँ से रिमूव हो गया तो बचा क्या यहाँ पे देखिए आप सी एस थ्री सिंगल वांड सी सिंगल वॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ ये क्या है यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिटिक एसिड किसका पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है तो इस तरह से बाई यूजिंग द एसिल क्लोराइड्स हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है सेम रिएक्शन होती है एनहाइड्राइड के साथ लेट अस कंसीडर बेंजोइक एनहाइड्राइड क्या होता है ये सी सिक्स एच फाइव सी डबल वन डो सिंगल वन डो डबल वन डो सिंगल वन सी सिक्स एच फाइव ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है टू सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच एसिड मिलता है जब बेंजोइक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मिलता है आपको बेंजोइक एसिड और इसकी मैकेनिज्म सेम होगी जैसे एसिल क्लोराइड की होती है वैसे इसकी होगी इसमें कुछ नहीं है सिंपल पोलर बॉन्ड होता है एक तरफ कार्बन पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और निगेटिव पार्ट क्या होता है OH negative, वो एच निगेटिव वो पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो एच पॉजिटिव जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ तो इस तरह से मिलता है आपको बेंजोइक एसिड तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स अब बात करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्जलिक एसिड्स जो आपके एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक एसिड्स होंगे उनमें अप टू नाइन कार्बन एटम्स मींस ऐसा कार्बोक्जिलिक एसिड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नाइन है अप टू नाइन मीन्स नाइन से कम है या नाइन तक है नाइन से ज़्यादा नहीं है तो ऐसे सारे कार्बोक्जलिक एसिड्स क्या होते हैं कलरलेस लिक्विड्स होते हैं मीन्स एक तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे दूसरा उनका कोई भी कलर नहीं होगा और उनकी जो स्मेल होती है ऑर्डर होती है वो अनपिलीजेंट ऑर्डर होती है दूसरा जो कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बनस अगर नाइन से ज़्यादा चले गए मीन्स जब तक आपने नंबर ऑफ़ कार्बनस कितने रखे नाइन तो ये किस फॉर्म में होंगे लिक्विड के फार्म में होंगे कलरलेस लिक्विड के फार्म में मीन्स लिक्विड का कोई भी कलर नहीं होगा और उनकी जो स्मेल होगी वो अनपिलीजेंट होगी दूसरा जैसे ही आपने नंबर ऑफ़ कार्बनस नाइन से इंक्रीज किए तो जो हायर एसिड्स होंगे तो वो होते हैं बैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं मोम की तरह होते हैं सॉलिड्स ये है, और इनकी जो स्मेल होती वो है वो ऑर्डरलेस होते हैं मीन्स स्मेल नहीं आती है इनमें अप टू फोर कार्बन क्या होता है इनका नेचर अगर अप टू फोर कार्बन आर प्रेजेंट इन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होते हैं ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये इसलिए मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्रिएट कर लेते हैं अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे सॉलुबिलिटी जो है कार्बोक्जिलिक एसिड की वो डिक्रीज़ होती जाएगी ये बात समझ गए आप जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे सॉलुबिलिटी डिक्रीज़ होगी और जो हायर कार्बोक्जिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉलुबल भी नहीं होते हैं तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अब इसमें लास्ट पार्ट रह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या आप कह सकते हैं तो द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू सो मच